इसके बारे में समय है। हाँ अच्छा तारा क्यों देख रहे हैं ये मासूम आंखें और इन आंखों में जगी पढ़ने लिखने की ललक को। जीवन के 60 से ज्यादा बसंत देख चुकी ये बुजुर्ग महिलाएं किसी की दादी हैं तो किसी की नानी। पोते पोतियों के पढ़ने लिखने की उम्र में इन दादी नानियों ने खुद कलम उठाई है और साक्षर बनने की ओर पहला कदम बढ़ाया है। कॉपी पर पेंसिल से आ ई लिख रही ये दादी नानी रेखाओं से रेखाएं मिलाकर आखर ज्ञान सीख रही हैं। अभी तक अपने बच्चों को देखते थे पढ़ते लिखते, अब अपना नाम लिखना सीख गए हैं। इससे पहले तक अंगूठा लगाते थे। सभी चाहते हैं कि हम पढ़ें, अक्षर बोध हैं, अगर हम कहीं पर जाते हैं तो अठप्पा ना लगाएं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी में इन दिनों ये नज़ारा आम हो चला है। दरअसल ये महिलाएं हर रोज एक अनोखी चौपाल लगा रही हैं। कभी घरों में सिमट कर रहने वाली ये महिलाएं उम्र की एक दहलीज पार करने के बाद अब ओट से निकलकर बाहर आ रही हैं और सीख रही हैं आखर ज्ञान। हर रोज घर का दिन भर का कामकाज निपटा कर शाम होते ही गाँव की दादी नानी अपनी सखी सहेलियों को लेकर चौपाल पहुँचती हैं। पहाड़ में पहाड़ जैसे हौसलों के साथ जीवन जीने वाली ये महिलाएं चौपाल में बड़े उत्साह के साथ कॉपी पेंसिल लेकर आती हैं। इस क्लास में दादी से लेकर बुआ मामी और नानी तक साक्षर हो रही हैं। अंगूठा लगाते थे हम पहले, पढ़ना लिखना आता नहीं था, हम पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमने अपना नाम लिखना सीख लिया है। पहले हम अंगूठा लगाते थे, अब हमें थोड़ा ज्ञान हो गया है। वैसे तो हर गांव में चौपाल लगना आम बात है, लेकिन यहां आम चौपाल नहीं बल्कि शिक्षा की चौपाल लगती है। विकासखंड भटवाड़ी के लोनथ्रू और सिरोर गांव में चौपालों पर अलग ही माहौल देखने को मिलता है। अंगूठा लगाना छोड़ ये महिलाएं किताबों पर रेखाएं खींचकर आखर से आखर मिलाना सीख रही हैं। शिक्षा को लेकर इन महिलाओं का उत्साह वाकई में देखने लायक है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की पहल का स्वागत करते हुए इन बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस उम्र में शिक्षा लेने में कोई हिचक नहीं। पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उन्हें सही समय पर शिक्षा हासिल नहीं हुई थी, ऐसे में इस उम्र में ही सही सभी महिलाएं जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कर रही हैं। कुछ तो अपने साइन करना भी सीख गई हैं। और अपना नाम सीखे, पहले अपना नाम लिखना सीखा, अब अ आ ई ई सीख रहे हैं। अब हम किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बुजुर्ग महिलाओं को शिक्षित करने की ये पहल जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। भटवाड़ी विकास खंड में 3115 निरक्षर हैं, जिनके लिए मॉडल साक्षर विकास खंड योजना शुरू की गई है। जी, जनपद में मॉडल ब्लॉक के रूप में भटवाड़ी को हम पूर्ण साक्षर करने की मुहिम पर कार्य कर रहे हैं और हम जून 2021 तक प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भटवाड़ी ब्लॉक में समस्त जो हमारे वृद्ध महिलाएं हैं, पुरुष हैं या जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, उनको हम जो हमारा बेसिक ज्ञान है वो दें ताकि हमारा संपूर्ण साक्षर ब्लॉक हो सके। तो इसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा वॉलंटियर्स के माध्यम से गाँव जाकर उनको पढ़ाया जा रहा है। उनके लिए किताबों का भी हमने इंतजाम किया है और लिखने की सामग्री भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और लिखने पढ़ने से निश्चित तौर पे जो अन्य कार्य होते हैं उसको करने में सहूलियत मिलेगी, जैसे बैंक के कार्य हो गए, राशन के कार्य हो गए या कृषि से संबंधित कार्यों में भी और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। 8 दिसंबर से हम इस प्रेरक मिशन में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है भैया, हम घर घर जाके इनको हर रोज एक एक घंटा आधा आधा घंटा डेली पढ़ा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हमें कॉपी पेंसिल स्टेशनरी वगैरह सभी चीज उपलब्ध कराई और जब उन्होंने अपना नाम वगैरह सीख लिया सभी औरतों ने जितने भी ग्रामीण लोग इसमें सम्मिलित हैं, उसके बाद इन्होंने अक्षर ज्ञान के लिए हमें किताब मुहैया कराई है जिसको जो है इसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है सभी कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़ लिख सके। गौर हो कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स के 2020 सर्वेक्षण के अनुसार केरल के बाद दिल्ली साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड 87.6% के साथ तीसरे स्थान पर है।
पहाड़ी राज्य का यह आंकड़ा और सुधरे, इसको लेकर ग्रामीण जनपदों में ऐसी पहल होना सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।